अब क्या सबके सामने मुझे बताना पड़ेगा मैंने क्या क्या करवाया? रोलिंग कैमरा के सामने न्यूड पोज करना और रोलिंग कैमरा के सामने सेक्स करना, ये दो अलग बातें होती हैं। ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा जिस्म है और ये मेरा काम है। आप करीब से देखो, सब कुछ दिखेगा। दिस इज अ नेट सारी, ठीक है, और इसके नीचे पेटीकोट नहीं है। मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी ममता जी से, जानना चाहूँगी कि उनके दिमाग में ये बात किसने डाली। Sherlyn Chopra held a press conference to announce her association with Playboy magazine at a five-star hotel in Mumbai. Check it out. जब मैं छोटी थी तब कभी ये नहीं सोचा कि बड़ी होकर Playboy cover girl बनना है, लेकिन जब जवान हुई तो हाँ ये सपना आया। Would you want to punish me for that? What punishment are you ready to take? I could strip. But would that be a punishment for me? I don't think so because I enjoy it. मई के महीने में मैंने मिस्टर हेफनर को एक खत भेजा जिसमें ये लिखा मैंने कि मुझको Playboy cover girl बनना है, और तुरंत बुलावा आया मिस्टर हेफनर से, और बस हो गया सब कुछ यूं ही चुटकी में। उन्हें लगा कि मैं कोई मैक्सिकन हूँ, जिस तरह से मैं बात करती थी और जिस अंदाज से ख़ुद को मैं उनके सामने पेश करती थी, वो सब देखकर उन्हें लगा कि ये ज़रूर कोई फिरंगी होगी, और मुझे विश्वास दिलाना पड़ा कि नहीं, मैं इंडियन हूँ, आई एम एन इंडियन। And eventually they believe. अब क्या सबके सामने मुझे बताना पड़ेगा मैंने क्या क्या करवाया? Well, I'm glad that I have met people from the field of modern science who have enhanced my tangible assets, and I'm grateful to the universe for blessing me with confidence and belief in myself. जैसे हमने कहा कि ये मैगज़ीन भारत में नहीं दिखाई जाएगी, on the internet apart from it, because you're wearing a sari today, nothing to be revealed. She's ready to strip. Aap kareeb se dekho, sab kuch dikhega. This is a net sari, theek hai, और इसके नीचे पेटीकोट नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे वो खुले विचारों के हों, और मैं जो करना चाहूँ वो मुझको आज़ादी दें, और मैं उनसे ये वादा करूँगी कि हमेशा वफा निभाऊँगी, उन्हीं की बनकर रहूँगी। क्या मैंने कहा कि मेरा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का होगा? कहीं का भी हो सकता है। तो अब्रॉड में किसको ढूंढ रहा? मैं किसी को ढूंढ नहीं रही हूँ, वो खुद आएगा मेरे पास बहुत जल्द। मुझे ऐसा लगता नहीं कि कम कपड़े पहनने से रेप होता है, और जिस्म को पूरी तरह ढक कर रखने से रेप नहीं होता है। ऐसा सोचना बेवकूफ़ी की बात है। रेप तब होता है जब इंसान अपनी सोच का प्रयोग नहीं करता, जब वो हैवान बन जाता है, और हैवानियत का कपड़ों की लंबाई से कोई लेन देन नहीं है। और मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी ममता जी से, जानना चाहूँगी कि उनके दिमाग में ये बात किसने डाली। ट्विटर हैंडल पर हेट ट्वीट्स बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड वेयर दैट सेंटिमेंट अराइजेज फ्रॉम। इट अराइजेज फ्रॉम आर डबल स्टैंडर्ड्स व्हिच आई डू नॉट लाइक टू लिव विद। मुझको उनके ईमेल एड्रेस से कुछ मेल्स मिले थे, और मैंने उनको पहले इज्जत से जवाब दिए, और जब वो मेल्स आते रहे बार बार लगातार, मुझे एक ऐसी भाषा का प्रयोग करना पड़ा जो हम अक्सर नहीं करते हैं, एंड दैट वाज इट। और उसके बाद ये सुनने को मिला कि उनके ईमेल एड्रेस से उन्होंने नहीं बल्कि किसी और ने वो मेल्स भेजे। अब पता नहीं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। काफी सारे पॉर्न स्टार्स जो हैं वो बॉलीवुड की तरफ रुख कर रहे हो,
और आप ऑलरेडी बॉलीवुड में रहके पॉर्न की तरफ रुख कर रहे हो, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? Playboy एक पॉर्न मैगजीन है, तो इसका मतलब जितने नाम यहाँ पर लिखे हैं बैनर पर, ये सारे पॉर्न स्टार्स हैं। No, no, they have acted nude. That's what I'm trying to tell. They have acted nude, right? They're forced nude. Well, there is a difference between a porn star and a playboy girl. ये बात तो सबको पता है कि रोलिंग कैमरा के सामने न्यूड पोज करना और रोलिंग कैमरा के सामने सेक्स करना, ये दो अलग बातें होती हैं। और मैंने अभी सिर्फ पहला कदम उठाया है। मुझे ये नहीं सोचना कि भारतीय लोग मेरे इस नंगेपन को लेकर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इंडस्ट्री के लोग मेरे इस स्टंट को लेकर क्या सोचेंगे, काम देंगे नहीं देंगे। ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरा जिस्म है और ये मेरा काम है। और ये कोई लोकल मैगज़ीन नहीं है, ना ही कोई ऐसी वैसी मैगज़ीन है, ये प्लेबॉय है जिसका नाम पूरे विश्व में मशहूर है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मुझे एक्सेलेंट काम करना अच्छा लगता है और ये एक्सेलेंस की तरफ मेरा पहला कदम है। इंडस्ट्री के जो टॉप फिल्म मेकर्स हैं, जैसे करण जौहर, जैसे आदि चोपड़ा, विशाल भरद्वाज वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब के साथ मुझे काम करने का मौका मिले एज अ सोलो फीमेल लीड। आई एम श्योर माई डैडी वुड हैव बीन वेरी वेरी प्राउड ऑफ मी। आई डू नॉट नो अबाउट माई ब्रदर्स रिएक्शंस। आई हैव नॉट spoken to him in a long, long time. My sister sent me a beautiful message and I shall forever be grateful to you. Bollywood Hangama News Network.